हेलो फ्रेंड्स, ये है ओनिडा टीवी। देख सकते हैं ओनिडा, ठीक है। देख सकते हैं इसमें एंट्रर की लॉक दिखा रहा है, ठीक है। तो इस एंट्रर की लॉक को हम लोग कैसे खोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो, आज का वीडियो ये है, ठीक है। तो आप लोगों के पास अगर इसका कोई पासवर्ड है तो मेरा वीडियो के नीचे लिंक ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे हेल्प हो जाएगा, पासवर्ड मारने से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो किसी का पास है, मेरा दोस्तों भाई के पास, तो प्लीज़ मुझे सेंड करें वो एंटर की लॉक, ठीक है। तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगा इसका वीडियो से, ठीक है। तो फ़िलहाल मेरे पास तो नहीं है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। तो इसको घुमाता हूँ, यह है इसका बोर्ड, देख सकते हैं इसका बोर्ड है, ये जो सिप्स वाला आईसी लगा हुआ है इस पे। तो इसके मैंने ऑलरेडी कुछ पार्ट्स दिखाऊंगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले इसमें पार्टिकल आईसी है 7841, ठीक है। तो इसमें आगे भी दिखाता हूँ मैं, जिस टॉपिक का वीडियो है उसी टॉपिक में बात करेंगे आज हम, ठीक है। तो लॉक, एंटर की लॉक कहाँ से हम इसको हटा सकते हैं वो भी दिखाएंगे। फाइनल मुद्दे पे आते हैं, ये मेमोरी आईसी है जो 24 कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बात का, बहुत उसका ऊपर का नंबर हट चुका है, मतलब 24 तक ही दिखाई देता है, उसके बाद का कुछ अक्षर दिखाई नहीं देता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, आप इस मेमोरी को भी चेंज करके, दूसरा मेमोरी चेंज करके आप इसकी लॉक को हटा सकते हो, और साथ में इस मेमोरी आईसी का सॉफ्टवेयर जो है अनइंस्टॉल करके ब्लैंक करके यहाँ पर लगा के भी वो वापस रीलोड लेगा ही प्रोसेसर से, तो वो भी एंटर की हट सकता है। लेकिन हम उसको क्या करेंगे, अभी मेरे पास इस सिप आईसी का जो मेमोरी है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह दूसरा मेमोरी यूज़ करेंगे जो कि आपको को दिखाऊंगा। ये मेमोरी यूज़ करूंगा जो बड़ा वाला, ये मेमोरी जो कि दिया हुआ नंबर भी दिखा दो आप लोगों, ट्वेंटी फोर सी 16, ठीक है। 24C16 इस मेमोरी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका बिठाने का पोजीशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें कुछ अच्छे से बिठाने की प्रोसेस ढूंढते हैं, उसके बाद में दिखाता हूँ आप लोगों को मैं इसको किस तरह से फिट करूँगा, क्योंकि टेस्टिंग के लिए तो आप लोगों को दिखाना सकता हूँ, लेकिन मैं टेस्टिंग के लिए नहीं दिखाऊंगा, पर फिक्स कैसे कर सकते हैं आप इसको लगा के तो दिखाऊंगा। पहले इस मेमोरी को मैं उठा लेता हूँ, तो इस मेमोरी को उठाने के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डरिंग कर देना है, और ये साइड में भी थोड़ा सा सोल्डरिंग करना है, दोनों साइड में एक साइड में टेस्ट करता रहूँगा तो ये आ जाएगा बाहर। इसको रिप्लेस करेंगे, उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर लेना,
तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1 2 3 4 चार टांग को ही अटैच करना है, क्योंकि इस मेमोरी में जो 8 पिन है, इसको हम 8 पिन को एक साथ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को किस तरह से कनेक्ट करूँगा। ये देख सकते हैं ये 1 नंबर पिन है, तो इसके साथ में हम ये चारों को एक साइड में जोड़ देंगे, अटैच कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इस यहाँ का 3 कनेक्शन लेंगे जो यहाँ पर बिठाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कैसे इसको जोड़ता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो इस मेमोरी को हम कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हैं मेमोरी, मैं इसको पहले इस टांग को निकल लेता हूँ। तो इसका पोजीशन आप लोग के हिसाब से बिठाइए, क्योंकि मैं मेरा हिसाब से इसमें कनेक्शन करूँगा, लेकिन कनेक्शन सही होगा, सेम होगा। हाँ, आपका कनेक्शन मैं जैसे कर रहा हूँ उस टाइप का करिए, लेकिन आपको बिठाने का जगह सिर्फ पोजीशन अलग कर सकते हो, आपका जहाँ पर सेटिस्फाई लगे आप वहाँ पर इसको यूज़ कीजिए। तो पहले मैं इसमें से 4 वायर ले लेता हूँ, थोड़ा लंबा करके लेता हूँ मैं। तो मुझे 4 लेना है, 2 3 4 4 मैं लेता हूँ थोड़ा लंबा करके, क्योंकि मेरे पास ये छोटा मेमोरी है नहीं, तो इसलिए इतना झंझट हो रहा है। अगर छोटा मेमोरी है सिर्फ तो आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन मेरे पास नहीं है अवेलेबल, तो इसके कनेक्शन में अलग तरीके से करूँगा, बड़ा वाला लगा के, ठीक है। तो आप देखते रहिए वीडियो लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, और उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने नया है मेरे चैनल पर, वो लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये जो 4 टांग हैं ये, तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि ये चारों ग्राउंड है, तो इसको हम शॉर्ट कर देते हैं एक साथ में। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने इन चारों टांगों को एक साथ में जोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये अभी लंबा था जो इसको हम काट देंगे, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो इसको काटने के बाद हम लोग इस साइड में छोटा कर दिया, ठीक है, ये देख सकते हैं। छोटा करने के बाद अभी क्या करेंगे हम, हमें कनेक्शन चाहिए इसका, ये यहाँ से ये वाला कनेक्शन चाहिए, ये वाला, और ये दूसरा वाला कनेक्शन हमें नहीं चाहिए, तो हम इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, 3 तार चाहिए हमको, वो भी हम लोग मैं जोड़ के आप लोगों को दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं मैं इन तीनों को टांगों को अभी कनेक्शन कर लिया, ये देख सकते हैं, सिर्फ इसको छोड़ दिया और इसमें दोनों को जोड़ लिया, ठीक है। तो हम अभी कनेक्शन पर ऑलरेडी करके देखेंगे सर्किट पर, ठीक है। तो वापस आप लोगों को दिखाता हूँ कनेक्शन मैंने किस प्रकार से किया हूँ, देख लीजिए अच्छे से। ये इसको शॉर्टिंग करा दिया, यहाँ पर 3 कनेक्शन किया, सिर्फ इसको छोड़ दिया बीच वाले को, ठीक है, और हमने कनेक्शन बन गया, ठीक है। अभी हमें किट पे यूज़ करना है। हेलो फ्रेंड्स, तो इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेंगे थिनर से, क्योंकि साफ करेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, क्लीन
हो जाएगा जगह को, तो मैं थोड़ा सा थिनर से इसको साफ कर देता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को मैं कनेक्शन दिखाता हूँ इसका। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसको मैंने साफ कर लिया, अभी कनेक्शन के बारी आ गया। तो इसको हम इस पकड़ से बिठाएंगे, जो यह होल है ये इस पकड़ से होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा निगेटिव है, जो कनेक्शन हम करके दिखाता हूँ आप लोग पहले, इसको लंबा करने का कारण भी है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं ये जो सारों को मैंने शॉर्टिंग किया हूँ यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर ग्राउंड कर देता हूँ, इसको सोल्डरिंग कर दिया। अभी आ गया हम लोगों का ये वाला कनेक्शन, जो वन मैंने लिया हूँ, ये देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर देंगे इस पे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं ये दो मैं जोड़ दिया हूँ। अभी ये बाकर बाकी है, जो हम लोगों ने सेम टू सेम कनेक्शन होगा, सिर्फ हम यहाँ पर दो नंबर पिन को छोड़ के यहाँ पर लगाएंगे, जो वापस भी आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें दो नंबर पिन को छोड़ना है, इस पर जुड़ना है, तो इस पर हम लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस पर लगाओ, तो ये देख सकते हैं इसके कनेक्शन यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आया हुआ है, तो हम इसको हटा के इस रेजिस्टेंस पे दे देता हूँ। कनेक्शन ही एक ही है, क्योंकि अगर कोई खींच लेगा सपोज़ तो ये ट्रैक उठ सकते हैं, इसलिए मैंने ऊपर लगाया। ये कनेक्शन सेम ही है, ट्रैक सेम ही है इसमें, और हम लोग ये वाला बाकी है। तो इसको भी हम लोग कनेक्शन जो यहाँ पर लगाएंगे ना हम, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, जो हम रेजिस्टेंस का एक साइड में लगा देंगे, क्योंकि कनेक्शन नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस पर लगाएंगे तो इसको खींचेगा कोई भी, तो आपका इतना ट्रैक नहीं फटेगा, ठीक है। तो हमने इसका पूरा कनेक्शन आप लोगों को दिखा दिया, ऑलरेडी करके भी दिखाया, ठीक है। अभी आ गया हम लोगों को चेक की बारी। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी कनेक्शन सेम टू सेम है आपका, सिर्फ एक कनेक्शन छोड़ना है, और उस मेमोरी का कनेक्शन सेम टू सेम है, सिर्फ हमने एक कनेक्शन यहाँ पर छोड़ दिया। छोड़ने का वजह ये है क्योंकि उसमें वो कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो इसी के वजह से हमने उसको छोड़ दिया, वो वाला ब्लैंक था, ठीक है। तो ब्लैंक की वजह से मैंने इसको छोड़ा हूँ, तो इसको हम साइड में करता हूँ अभी, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कंप्लीट वीडियो क्या आता है और क्या होगा, ठीक है। तो 100% होना चाहिए, हो जाएगा, आपको दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं मैंने इसको अभी पावर नहीं दिया हूँ, और मैं इसको दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ये मेमोरी है जो मैंने ऊपर में लेके आ गया, तो यहाँ पर से इसको निकल के हम यहाँ पर किसी से इसको गम की मदद से यहाँ पर चिपका देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोगों को इसको बाद में चिपकाएंगे। तो अभी इसको हम एक बार कनेक्शन देख के देखते हैं, जो कि इसका कनेक्शन मैं थोड़ा बहुत लगा देता हूँ इसमें, तो काम मेरा एक बार में हो जाए, बार बार खोलना ना पड़े, इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको बिठा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बिठा दिया, मेमोरी इसी यहाँ पर साइड में पड़ा रहने दीजिए, मैं साइड में इसको फिलहाल रख दिया, बाद में इसको चिपका देंगे कहीं पर, ठीक है, बोर्ड के ऊपर। तो इसको मैं पावर देता हूँ अभी, ठीक है। तो मैं पावर दे दिया इसमें, तो देख सकते हैं इसमें पावर तो मैंने दे दिया, लेकिन आप लोग सोचेंगे ये ऑन नहीं होगा, लेकिन ये मिनिमम 2 से 3 मिनट भी लग सकता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इस मेमोरी जो है उसमें से कॉपी होके, प्रोसेसर से कॉपी होके वापस आता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा टाइम, और हम लोग इसको पूछ कर देता हूँ की को, थोड़ा टाइम पूछ कर लेता हूँ, जो सिग्नल प्लस को पूछ करता हूँ, नहीं तो आपका ऐसा अगर रिमोट है तो रिमोट का
पावर की भी इसमें पूछ कर सकते हैं, लेकिन मैं पावर की इसमें पूछ कर दिया। पूछ करने के बाद ये ऑन हो चुका है, देख सकते हैं मिनिमम 2 से 3 सेकंड लग चुका है। तो मैं इसे वापस ऑन किया हूँ, जो अब ये यहाँ पर आएगा देखता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, लॉक जो था वो चला गया, देख सकते हैं। अभी मैं इसके रिमोट से मेनू बटन बोतम दबा पूछ करता हूँ, ये देख सकते हैं निकल के आ चुका है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार का लॉक होने पर आप लोग पहले मेमोरी को चेंज करके देख लीजिए। ठीक है।